चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हर्जुटिज्म के सिम्टम क्या है। आखिरकार पेशेंट को कैसे पता होगा कि उसको हर्जुटिज्म है? तो हर्जुटिज्म क्या होता है? मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, मतलब मेल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो जो फीमेल की बॉडी है वो नॉर्मली मेल साइड जाने लगती है, मतलब फीमेल की जो फिजिक्स होती है वो मेल जैसी होने लगती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर हो जाता है उसका। जो ब्रेस्ट साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्लिटोरिस का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो फीमेल में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए उसमें क्या रहता है, एमेनोरिया हो जाता है। एमेनोरिया मतलब एबनॉर्मल एब्सेंट ऑफ मेंसेस, मेंसेस जो रहते हैं उसके एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर ऑलिगोमेनोरिया हो जाता है। ऑलिगोमेनोरिया मतलब उसका जो मेंसेस रहेगा, जो पीरियड रहेगा, वो उसका जो ड्यूरेशन है, जैसे नॉर्मल साइकिल 28 डेज की होती है, तो वो 35 डेज की या फिर उससे ऊपर हो सकती है, कि 35 दिनों में आ रही है, 40 दिनों में आ रही है। इसके बाद जो उसका मतलब ब्लड फ्लो रहेगा वो स्कैंटी रहेगा, कम हो जाएगा, उसको ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होगी, या फिर जो उसका जो टाइम चलता है, जैसे कि 3-4 दिन चलता है टाइम नॉर्मली ब्लड फ्लो, तो वो उसको कम हो जाएगा, 1 दिन चलेगा, 1.5 दिन चलेगा, ऐसा हो जाएगा ऑलिगोमेनोरिया में, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल को। इसके सिवा जो बाल रहते हैं, स्काल्प के रीजन के जो बाल रहते हैं वो पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, बालनेस हो जाती है। जहाँ पर बाल होने चाहिए वहाँ बाल कम हो जाते हैं, जहाँ पर बाल नहीं होने चाहिए वहाँ पर बाल बढ़ जाते हैं।